स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए कई सारे लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है। इस बीच मंदिर के पुजारियों की चर्चा भी जोरों शोरों से हो रही है। कुछ दिनों पहले से मंदिर के पुजारियों के चयन की प्रक्रिया चल रही थी और चयन खत्म होने के बाद एक नाम जो हर किसी के जुबान पर चढ़ा हुआ है वो है मोहित पांडे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोहित पांडे को अयोध्या राम मंदिर में पुजारी के रूप में चुना गया है। मोहित गाजियाबाद के रहने वाले हैं और मोहित को 3000 लोगों के साक्षात्कार के बाद चुना गया है, जिनमें उनके अलावा 49 और भी लोग शामिल है। चुने जाने के बाद मोहित और उनके अन्य साथियों को 6 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मोहित पांडे ने दुधेश्वर वेद विद्यापीठ में 7 साल तक पढ़ाई की है। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो तिरुपति चले गए थे और अब इनको भगवान राम लला की सेवा के लिए चुना गया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बुलंदियों पर रहते हैं तो आपके दुश्मन आपको बदनाम करने का भरसक प्रयास करते हैं, तो मोहित पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ ट्विटर हैंडल्स उनके नाम पर फर्जी फोटो वायरल कर रहे हैं। मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कुख्यात कांग्रेस पार्टी के नेता ने भी हिंदू घृणा दिखाते हुए पुजारी मोहित पांडे की गंदी और फर्जी फोटो शेयर की है। गुजरात कांग्रेस के अनुसूचित मोर्चा के मुखिया हितेंद्र पिठादिया वो कांग्रेसी नेता हैं जिन्होंने राम मंदिर के नवनियुक्त पुजारी मोहित पांडे को लेकर गंदा और भद्दा ट्वीट किया है। इस ट्वीट में एक व्यक्ति को एक महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में है और कांग्रेस पार्टी के नेता हितेंद्र ने दावा किया है कि यह व्यक्ति पुजारी मोहित पांडे है। तो आखिर इस वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या है? तो हम आपको बता दें कि इस तस्वीर में जो आपत्तिजनक हालत में जो व्यक्ति दिख रहा है उसका और मोहित पांडे से कोई लेना देना नहीं है। नवनियुक्त पुजारी मोहित पांडे के खिलाफ दुर्भावना के चलते ही जानबूझकर इस फर्जी फोटो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जा रहा है। इस तरह के फोटो का फैक्ट चेक करने के लिए खुली आंख और प्रोपेगेंडा रहित दिमाग होना चाहिए। इसमें नासा टाइप ना तो टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है और ना ही गूगल के रिवर्स इमेजिंग की। खैर, मामले को बढ़ता देख कांग्रेस नेता हितेंद्र पिठादिया ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन अयोध्या पुलिस ने ट्विटर पर सूचित किया है कि उनका साइबर विभाग इस मामले में जांच और आवश्यक कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले ही अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच पुलिस ने हितेंद्र पिठादिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक हितेंद्र पिठाड़िया नाम के हैंडल द्वारा ये फोटो वायरल करने में आया था। ये फोटो का जो प्राथमिक हमने विवेचना करी है उसमें ये ध्यान पे आया है कि ये एडिटेड फोटो है और एक पॉर्न साइट से लेकर एडिट करने में आया गया है और इस फोटो को ये वायरल करने में आया। इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करी है। आरोपी जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर की अपनी वो पहचान बताते हैं और उनका ये प्राइम ऑफ फेस ऐसे लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा माइलेज लेने के लिए ये फोटो पाया। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।